आज एक्सप्लोर विद रहा हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे, लाइट थोड़ा सा कलरफुल। ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक पेपर है, इसके ऊपर मैं पेंटिंग करूंगी। पता है कौन सी पेंटिंग करूंगी? आज मैं एक पेंटिंग करूंगी जो जिसके अंदर ओशन और स्काई मिक्स होगा। तो पेंटिंग करने से पहले मैंने ये एप्रन पहना हुआ है, इसलिए पहने ताकि मेरे क्लॉथ ना गंदे हो, वरना मामा तो आने के और मुझे करने भी। तो फ्रेंड हम इस पे ये जो पेंटिंग है इसको डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें एक स्केच ड्रॉ करना होगा। पता मैं क्या करूँगी, मैं सबसे ओशन का स्केच और क्लाउड और स्काई का करूँगी, ठीक है? वो पहले मैं स्केच उसका ड्रॉ करूँगी, फिर उसके अंदर मैं पेंट करूँगी। इससे ये होता है कि हमें पेंट करना आसान लगता है, पहले हमें इसको स्केच ड्रॉ करना होगा। क्लाउड में मैं ये ब्लैक कलर करूंगी, हमें थोड़ा सा लाइट करना है। फ्रेंड्स अब हम स्काई को पेंट करेंगे। चुकी हूँ, हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। देखिए ये मैंने ओशन बनाया है, ये रॉक्स है, ये बोट और ये टॉवर है, ये क्लाउड्स है और ये स्काई है। एंड ये देखिए ओशन में मैंने डार्क ब्लू कलर यूज किया है, या मैंने रेड कलर यूज किया है, थोड़ा सा ब्राउन मिक्स ताकि उसका कलर अच्छा है जिस तरह रॉक का होता है। और ये टावर है जिसके मैंने येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिया है। और ये कुछ बॉल्स हैं, ये रेड और ब्लैक। और ये क्लाउड हैं जो कि मैंने ग्रे कलर के बनाए हैं। और ये हमारा स्काई है जो कि मैंने लाइट ब्लू कलर से बनाया है। उसके इस सारी पेंटिंग को मैंने शाइनर लगाया है जिससे देखिए वो शाइन कर रही है। देखिए फ्रेंड मेरी पेंटिंग, आप मुझे बताएं कैसी बनी है। पेंटिंग बहुत अच्छी है और बहुत आसान है, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और हाँ फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, और पेंटिंग भी अच्छी लगी तो उसको और लाइक कीजिएगा। डबल लाइक मुझे आपके से आने चाहिए, और इस मुझे कमेंट भी करके जरूर बताएगा कि आपको ये मेरी पेंटिंग कैसी लगी। और हाँ, शेयर करना तो मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो आप सबसे पहले कर दे मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। मेरी नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे, डिंग डिंग कर दे इसको भी, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।